सुरेश रैना को यहां एक क्लब में कोविड-19 से जुड़े सामाजिक दूरी और दूसरे नियमों के उल्लंघन के साथ हो रही पार्टी में शामिल होने पर मुंबई पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करने के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया। इस पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने अनजाने में हुई इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर अफसोस जताया, जिसमें उनके साथ 34 और लोग पकड़े गए थे। पूर्व बल्लेबाज पर प्रबंधन द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि सुरेश रैना को घटना से वक्त स्थानीय नियमों की जानकारी नहीं थी। बयान के मुताबिक सुरेश रैना मुंबई में शूटिंग के लिए मौजूद थे। ये काम काफी देर रात तक चला। उन्हें दोस्तों ने डिनर के लिए बुलाया था, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के लिए एक फ्लाइट लेनी थी। उन्हें लोकल टाइमिंग और प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी नहीं थी। बयान में यह भी कहा गया कि जब उन्हें इस बात की जानकारी मिली, वैसे ही उन्होंने प्रक्रिया का तुरंत पालन किया। उन्हें इस दुर्भाग्यपूर्ण और गैर जिम्मेदाराना घटना का खेद है। वह हमेशा कानूनों और नियमों को अहमियत देते हैं और भविष्य में भी ऐसा ही करेंगे। इससे पहले पुलिस ने मंगलवार को मुंबई हवाई अड्डे के पास एक क्लब में छापामारी की और कोविड-19 के नियमों के उल्लंघन के आरोप में रैना और बॉलीवुड हस्ती सुजैन खान समेत 34 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि मुंबई हवाई अड्डे के पास ड्रैगन फ्लाई एक्सपीरियंस क्लब में छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किए गए लोगों में 13 महिलाएं और क्लब के 7 कर्मचारी भी शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि महिलाओं को नोटिस थमाने के बाद छोड़ दिया गया, जबकि पुरुष को गिरफ्तार किया गया और बाद में उन्हें भी जमानत मिल गई।